Hello childrens, my name is Ranjeet Tangi. Our chapter is 7th class 5th English medium और ये chapter 7th का second lecture है जिसमें हमने पेज नंबर 48 तक क्या कर लिया, रीड कर लिया है, मतलब 48-49 पेज ये थोड़ा सा हमारा क्या रह गया था, छूट गया था, तो आज हम इसको भी क्या कर लेते हैं, रीड कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द बॉय वॉज टू नॉटी, यह लड़का तो बहुत ही शरारती है। ही थॉट, उसने सोचा, द गर्ल्स वुड बी फाइन टू फिट इन एट लास्ट, और अंत में क्या होगा कि जो लड़की है उसको डराना बहुत ही क्या होगा, आसान होगा। तो ही वेंट टू द रीडिंग रूम, वह कहाँ पहुँच गया, रीडिंग रूम में पहुँच गया, जहाँ द गर्ल वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, और जो गर्ल थी वो क्या बना रही थी, पिक्चर बना रही थी। सी वॉज बिजी ऑन अ पेपर, वह बिजी थी पेपर पर। द घोस्ट सडनली अपियर बिफोर हर एंड रॉड, तो अचानक से क्या होता है कि जो घोस्ट होता है वो उसके सामने क्या हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है और धारने लगता है। ओ फुलिस गर्ल, आई शैल ईट यू इफ़ यू डोंट क्वाइट एडवांस, मतलब कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुम यहाँ से क्वाइट नहीं हुई अभी, मतलब कि अभी इसी वक्त क्या नहीं हुई, क्वाइट नहीं हुई मतलब अभी भी यहाँ से नहीं गई। तो वह लड़की भी क्या करने लगती है, ही हा 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 हंसने लगती है। द गर्ल्स लुक्ड अप एंड सैड एंग्रीली, जो लड़की होती है वो उसकी तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, स्पॉइल्ड माय पिक्चर, तुमने मेरी सारी पिक्चर ख़राब कर दी, यू रॉटन क्रिएचर, तुम बहुत ही बिगड़े हुए प्राणी हो। सी पॉक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स आई, और वह उसने पेंसिल ली और उसकी आँखों में क्या करती, कुछ आदि। द घोस्ट लेट्स आउट ऑफ अ क्राई, वो चिल्लाने लगा, जो घोस्ट था वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। द घोस्ट वॉज सो फिटन, जो घोस्ट था वो इतना डर गया था कि इट कुड नॉट फ्ली, कि वह मतलब कि भाग भी नहीं सकता था। ही वॉज कैच बाय द फैमिली, और उसके द्वारा फैमिली को कैच करना बहुत ही मुश्किल था। दे फाउंड नो घोस्ट देयर, उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। इट वॉज अ ग्रीडी, वह बहुत लालची था। स्ली मतलब कि धूर्त पड़ोसी था, हु हैड प्लॉटेड टू फिटन द वायर्स एंड इनक्रोच द प्रॉपर्टी। स्ली नाइवर्स मतलब कि पड़ोसी, जिसने जो क्या चाहता था, जो मतलब कि डराना चाहता था। प्लॉटेड मतलब कि उसने मतलब कि प्लॉटेड का मतलब होता है उसने ये साजिश रची थी, मतलब कि डराने के लिए किनको, जो बायर्स होते हैं ना, मतलब कि जो ख़रीदने वाले आते हैं ना, उनके डराने के लिए, और उस प्रॉपर्टी पर इनकरेज, मतलब इनकरेज का मतलब होता है अतिक्रमण, उस प्रॉपर्टी को अतिक्रमण करना चाहता था। तो इस टाइप से यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। किस टाइप से वहाँ पर वो जो सोल्डियर्स होता है वो अपना मतलब कि एक न्यू सेटल होना चाहता था, और वो एक क्या करता है, एक टाउन में एक हाउस मतलब बाय करता है, और बाय करता है तो वहाँ पर एक नाइवर्स आता है, तो उसको सजेशन देता है कि यहाँ पर एक घोस्ट रहता है। तो वो इस टाइप से वहाँ पर एक घोस्ट आता है और उनको डराने की कोशिश करता है, मतलब घोस्ट मोस्ट कुछ नहीं होता है, वो ही होता है जो वो नाइवर्स ही होता है, वो उनको डराने की कोशिश करता है, बल्कि जो सोल्डियर्स और उसकी फैमिली होती है वो डरते नहीं हैं बल्कि उसका फेस करते हैं। तो इस टाइप से हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी अपनी लाइफ में थोड़े से सिचुएशन इस टाइप की मतलब कि आए तो हमें भी उसका क्या करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।